कम से कम नहीं तो 10,000 साल पहले इस जगह से है ही नहीं कहीं पे, ऐसा बोलते हैं। तो इस पर भी बहुत रिसर्च चल रही है कि सरस्वती इंडस वैली सिविलाइजेशन ये है, तो इंडियन सोसाइटी भी उतनी ही पुरानी है, क्योंकि उस समय तो डेवलप सिविलाइजेशन थी 3500 ईयर्स अगो। सो व्हाट वाज बिफोर दैट, यानी कि जो सोसाइटी थी, स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी, स्टेट सिटी स्टेट उस समय था, उससे पहले भी इंडियन सोसाइटी थी। तो इतनी पुरानी सोसाइटी है और आज भी उसी तरीके से है। अगर आप और जगह सिविलाइजेशन को देखेंगे, मेसोपोटामिया ग्रीक सिविलाइजेशन जो वहाँ पे जिस तरह से थी, एक्चुअली इसकी वजह भी यही है जो हमें 3500 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि इसी समय वहाँ सिविलाइजेशन थी, ग्रीक सिविलाइजेशन। अपना इनिशियल पॉइंट दरअसल नहीं पता है कि कहाँ से ये शुरू होती है इंडियन सोसाइटी। तो एक तो ये एंशेंट सिविलाइजेशन का पार्ट है बहुत ही, एंड सेकेंड इज कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, लैंग्वेज, डायलेक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, सौराष्ट्र से सिलचर तक अलग अलग ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं। तीसरा एक जो इसमें एक और मेन एलिमेंट जुड़ जाता है कि जो लास्ट 1000 ईयर्स में जो चीज़ें हुई हैं, जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए, जो इन्वेडर्स आए, उनके साथ जो कल्चर आया वो डिफ्यूज़ हो गया हमारे कल्चर के साथ, और हम लोगों के एक अलग कंपोजिट कल्चर जैसा भी बना। तो यहाँ का अपना एक जो कल्चर था, उसके साथ साथ जो 1000 साल से जो लोग यहाँ पे देश में अलग अलग समय पे आए, उनका साथ भी बहुत कल्चर आया, लैंग्वेज आई, अपना सिस्टम आया, उनकी भी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ होंगी, सोशल वैल्यूज़ होंगी, वो भी इंटरमिक्सिंग हो गई। तो हमारी पूरी सोसाइटी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। अब इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जो आज की तारीख में है, जिसका कि हमें वेंटेज पॉइंट नहीं पता, स्टार्ट कहाँ से होती है नहीं पता, ऐसा बताते हैं कि बड़ी ग्लोरियस सिविलाइजेशन थी 4000 ईयर्स अगो, टेक्स्ट में भी ऐसा बहुत सारा मिलता है। फिर एक नई डिबेट खड़ी होती है कि वेदर दिस सोशल इनइक्वालिटीज और व्हाट वी कॉलिंग इट टुडे सोशल चैलेंजेस, दिस सोशल इनइक्वालिटी क्वेश्चन ऑफ जेंडर, कास्ट, पावर्टी, दिस इज़ वेरी मच प्रोवाइडेड इन अवर एंशियंट टेक्स्ट, और दिस इज आउटकम ऑफ अवर सोशल डायनेमिक्स, कि ये हमारी सोशल डायनेमिक्स की वजह से ये सारी चीज़ें आई हैं, या सैक्रेट टेक्स्ट जिसे कहते हैं, या एंशियंट टेक्स्ट जो लिखे गए या कहे गए जिसे बाद में कोडिफाई कर लिया गया, वहाँ से निकले। तो ये भी एक दूसरा बड़ी प्रॉब्लम नज़र में आती है कि इस पर भी हम लोग बात करेंगे। एक पॉइंट और यहाँ मैं रखना चाहूँगा, ये मेरी अपनी समझ है कि मैं अपने कॉलेज में एक टॉक हो रही थी, हमारे प्रोफेसर आनंद कुमार काफ़ी अच्छे सोशियोलॉजिस्ट हैं जेएनयू में, उन्होंने मन पढ़ाया भी, तो उनसे बात हुआ, तो उनसे मैंने पूछा कि सर आने वाले समय में ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन क्या होगा जिसमें कि ह्यूमन सिविलाइजेशन हम लोग रहेंगे। उनका मतलब, हमने कहा कि जैसे कि पहले हम लोग फैमिली में रहे, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि पहले सबसे पहले एक ट्राइब्स में हम डेवलप हुए और फैमिली में रहे, फैमिली के बाद जो दूसरा बड़ा इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन रहा वो रहा रिलीजन जिसमें कि हम रहे, और तीसरा जो कि अभी चल रहा है इवन इन द फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नेशन स्टेट, हम नेशन स्टेट की फॉर्म में रहते हैं। आप लोगों को पता होगा ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 जिसे हुई, और उसके बाद से सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, और साथ में इंडस्ट्री आई, मर्केंटाइल सोसाइटी आई, और चर्च से सेपरेशन हुआ, और इस नेशन स्टेट की फिनोमिना आई, और उसी फ्रेमवर्क में हम लोग भी रहने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया 213 देश उसी फ्रेमवर्क में रहने की कोशिश करते हैं, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ के साथ। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम या समझ की एक फ़र्क आता है, क्योंकि जो पूरा सिस्टम डेवलप हुआ है नेशन स्टेट का, ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, और जो इंडियन कॉन्सेप्ट है उसको नेशन से हम लोग कह देते हैं, लेकिन जैसे रिलीजन और धर्म अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, वैसे ही मेरा मानना है कि नेशन और राष्ट्र ये भी एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। नेशन जो है वो इमर्ज होता है पॉलिटी से, पॉलिटिक्स से, वहाँ पे एक पॉलिटी होगी, और पॉलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी होगी और दूसरे इंस्टीट्यूशन होंगे, और किसी एक भी डिफरेंस से वो नेशन बन जाता है। जैसे कि यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 15th-16th century में, उससे वो मर्केंटाइल सोसाइटी, जो बिजनेसमैन वगैरह निकले, वो लैंग्वेज के बेसिस पे वहाँ पे नेशन बनते चले गए। उसी थ्योरीज को फिर पूरी दुनिया में, क्योंकि वो विक्टर्स थे, वो विजेता थे, उन्होंने अपनी थ्योरीज को ही लगाया। लेकिन भारत, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि टॉपिक भी सोशल सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, कि भारत जो है एक नेशन नहीं है, भारत एक राष्ट्र है,
राष्ट्र यानी कि ये सोशल कॉन्सेप्ट है, यहाँ की जो सोसाइटी है वो हमेशा यूनाइट रही। आपको राजा बहुत सारे दिख जाएंगे, लेकिन राजा कई बार साल में इकट्ठा होते थे, चीज़ों पे बात करते थे, झगड़ा भी चलता था, जमीन के लिए झगड़ा चलता था, कब्जे के लिए झगड़ा चलता था, यानी पॉलिटिकल पावर के लिए झगड़ा चलता था, लेकिन उनके बहुत सारे वैल्यू सिस्टम हमें एक देखने में मिलते। जो लास्ट मैन, उसमें भी हम लास्ट मैन बोलते हैं, लेकिन लास्ट वुमेन इन द क्यू, तो किसी गांव में रहने वाली अनपढ़ दलित समाज की महिला हो, उसकी क्या स्थिति होगी? और ऐसी ऐसी बहुत बड़ी संख्या है इस देश में कि एक दलित अनएजुकेटेड रूरल फीमेल होम मेकर जो घर पे रहती हो, दलित समाज से हो और अनएजुकेटेड हो, इलिटरेट हो और ग्रामीण क्षेत्र में रहती हो, और भारत में ऐसी संख्या बहुत बड़ी है। इसके लिए हम सोच के अगर काम कर पाएंगे तो जो सोशल चैलेंज है, अगर देखा जाए कि जो बिगेस्ट चैलेंज है ना, बिगेस्ट सोशल चैलेंज, वो मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ता है। और इस देश में ये संख्या भी करोड़ों में जाती है, ये संख्या भी करोड़ों में जाती है कि दलित अनएजुकेटेड रूरल फीमेल होम मेकर, कुछ नहीं तो 3-4 करोड़ ऐसे लोग होंगे, क्योंकि 15% तो हमारी एससी पॉपुलेशन है, 16% आप यानी कि 20-22 करोड़ हो जाती है, उसके आधे यानी कि 8-9 करोड़ औरतें ऐसी होंगी। अगर 3-4 करोड़ कुछ काम करती भी होंगी तो 3-4 करोड़ तो औरतें ऐसी हैं, दुनिया में 100-125 देश ऐसे नहीं है जिनकी पॉपुलेशन 3-4 करोड़ होती होगी। ऐसी औरतें ही घर में बैठी हुई हैं जिनको जिनकी जिनके पास कहीं मोबिलिटी नहीं है, जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, जिन्होंने कभी शहर नहीं देखा, जो जिनके पास कोई भी अधिकार नहीं है, जिनका शायद बैंक अकाउंट भी नहीं खुला। हमारे जनधन योजना, इससे जुड़ी हुई जो पॉलिटिक्स उस पर भी चर्चा कर सकते हैं, इससे जुड़ी हुई जो इकोनॉमिक्स है उस पर भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है जो जो सोशल आस्पेक्ट है उस पर तो चर्चा करेंगे, और गवर्नेंस का कोई आस्पेक्ट हो, किसी भी आस्पेक्ट को उठा के, ये तो एक सिर्फ एक टच पॉइंट था, अब किसी भी आस्पेक्ट को लेके हम उसके पॉलिटिक्स को, इलेक्शंस को, कोई किसी भी आस्पेक्ट को बात कर सकते हैं। जी सर, आपने ये जो बताया ना एवरेज इनकम जो हमारे देश में है वो 32 रुपये है। क्या वजह है कि ये नहीं पहुंचता है? फिर क्या वजह है वो वहाँ 30 रुपए पे ही गुजारा करते हैं या 50 पे ही गुजारा करते हैं? नहीं, ऐसा करते नहीं है, ये गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया बनाया। गवर्नमेंट की लेवल पे क्या होगा और फिर कम्युनिटी एक्शन, कम्युनिटी लेवल पे हम क्या कर रहे हैं? अगर एज ए सोशल वर्कर मुझे भी नहीं पता है स्कीम कौन सी है, तो इट्स आल्सो माय प्रॉब्लम आल्सो। सो वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि हम अपनी सोसाइटी को, हम एज एक्टिविस्ट कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं, लोगों को कैसे तैयार कर रहे हैं, फिर ये लिंक, क्योंकि एनजीओ, अगर एज ए एनजीओ और एज सोशल वर्कर हमारा काम है बेसिकली टू लिंक द लास्ट मैन इन द सोसाइटी विद द गवर्नेंस, और तो उसको हमें भी अपना रोल थोड़ा सा अच्छे से। मैं गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं थोड़ा मीटिंग में आपको बताता हूँ, मुझे जो महसूस हो रहा है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे, ये पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट, हाँ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस पे बहुत ज़्यादा ही, जैसे कि स्वच्छता अभियान है, ये सरकारी अभियान नहीं है, या एल पी जी का गिविंग अप वाला जो स्कीम था, एक करोड़ लोगों ने एल पी जी पे सब्सिडी छोड़ी, तो बढ़िया। आपको मैं बताऊँ, जो लोग इधर यहाँ पे कोई होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का और बिहार का, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट इंडाइसेस हैं, जो इंडेक्स हैं, वो सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज से बहुत जगह कंपेयर किए जा सकते हैं। वहाँ पे आके उज्ज्वला स्कीम स्टार्ट की गई है, क्योंकि एक घंटा सुबह और एक घंटा शाम खाना बनाने में अंगीठी पे या चूल्हा जिसमें लकड़ी या गोबर के कंडे लगाते हैं, 400 सिगरेट का धुआं जाता है औरत के अंदर, उसके लिए कहते हैं ये 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, उसका इस्तेमाल वहाँ पर हो रहा है। और ये और स्वच्छता मिशन की जो बात है वो भी पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस है, एल पी जी गिविंग अप वाली भी जो लोगों ने ही छोड़ा है, कहते हैं गवर्नमेंट ने कोई दबाव नहीं बनाया, कुछ कहा नहीं, सिर्फ आह्वान किया प्रधानमंत्री ने, लोगों ने छोड़ा, तो पार्टिसिपेटरी जो जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये हम लोगों को करना पड़ेगा। एन जी ओ आज लोगों ने फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, तो एन जी ओ की भूमिका यहाँ पर हो जाती है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की भूमिका हो जाती है, तो वो तो हम लोग को करना ही करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक लेवल के बाद हम कैसे कर पाएंगे। स्वदेश जी, मैडम ने जो अभी, मेरा नाम प्रतीक धात्रक है, पुणे से हूँ, मैडम ने जो अभी सोशल वेलफेयर का जो मुद्दा उठा, जो सुरक्षा बीमा योजना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अंडर भी ये मतलब जो एक्सीडेंटल एक्ट से वो भी अभी कवर हो सकते हैं, 12 रुपये में वार्षिक बीमा है,
और मरने के बाद भी लाइफ इंश्योरेंस भी 330 रुपए सो वो स्कीम्स में भी उसका पति उसमें फिर पैसा ले लेता जिसने उसको जलाया नहीं इसमें नहीं इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ नहीं इसलिए बोल रहा हूँ वो स्कीम्स नहीं 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 वो योजना को आप बहुत ठीक तरीके से पढ़िए उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं है आपको किसी ऑफिसर के पास भी नहीं जाना है नोडल एजेंसी तो ऐसी ऐसी योजनाएं आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं इसलिए मैं ऐड ऑन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप भी उससे बेनिफिट हो सकते हैं और आपके थ्रू काफी सारे लोगों को ये पता चल सकता है तो सोशल वेलफेयर के लिए बहुत अच्छी 3 बीमा योजनाएं आई है एक्सीडेंट लाइफ और ये और खाली वार्षिक 12 रुपए उसका प्रीमियम है तो वो भी कवर हो सकता है उसमें जम्मू कश्मीर में वेरी लेजिट सॉल्यूशन फॉर दिस सर एक मिनट शिवजी ये प्रश्न बोल रही नहीं एक्सक्यूज मी मैं बताती हूँ मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता था लेकिन क्यों ये ब्लॉक हो गई मैसेज जब स्टार्टअप स्कीम का इनॉग्रेशन था तो यहाँ से जो भी गया है वो उनका सबका बैकग्राउंड ब्यूरोक्रेट्स का था और आपने जो आप वो रील देखिए उसमें जो भी मतलब पार्टी यहाँ से गई है पार्टिसिपेंट जो भी था उनका सबका फुल फ्लेज्ड बैकग्राउंड है मैंने किसे सुना मेरी एक फ्रेंड गई थी जो नाम मतलब हमारा रिलेशन है बिजनेस का तो उनके थ्रू मुझे पता चला और उन्होंने भी ये क्लियर नहीं किया कि मैं कैसे जा सकती हूँ मैं नहीं इनविटेशन मिला है इनॉग्रेशन में गए हैं वो लोग सर आई हैव अ वेरी गुड सॉल्यूशन टू इट सर एक बड़ा सा कंफ्यूजन मेरे मन में चल रहा है जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जब ये वाली बहस होती है तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट की बात चलती है मतलब पैरेलल साइड पे वुमेन तो जब क्या हम जनरल सोसाइटी में अपने घर की सोच रखें कि अगर हम ये बोलेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट है वहाँ पे यही जहन में आता है कि वुमेन को फिर काम नहीं करना है इस पे जुल्म होता है कि ये खाना कैसे बनाए बाकी चीज़ें यहाँ पे एक कल्चर था कि हर जगह कि आदमी कमाएगा बीवी हाउस मेंटेन करेगी लेकिन जब से हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तब से और कुछ सोशल इश्यूज सामने आए हैं जैसे जब दोनों मैन एंड वुमेन काम करने जाते हैं तो यहाँ पे चाइल्ड किस्सा सामने आया दोनों काम करते हैं तो यही मतलब यहाँ पे कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ कोई लड़की देखो कोई आर्फन लड़की प्लेन यूनिवर्स दिस टॉपिक दैट देयर इज 27% ऑफ द पॉपुलेशन जिनकी 32 रुपीज से भी इनकम कम है एंड एज पर द राशन कोटा दैट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग देम 30 केजीज ऑफ राशन एट द रेट ऑफ 120 रुपीज How government is expecting that when the monthly income of a 120 rupees, 35 kgs of ration. How government is expecting when their income, they are grading them at the in the group that their monthly income is 32 rupees. Okay, let it be daily. So, isn't this altogether a wrong process? And one more thing, sir, I want to know. That my India or any plan that government formulates have got so much formalities कि वो formalities करते 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 वो scheme ही lapse हो जाती है वो और दूसरी बात आप जिस पे बड़ा गर्व कर रही थी present government ये जो जनधन योजना
जिसमें वो प्रधानमंत्री अकाउंट्स खुले हैं, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि लाखों के ऐसे अकाउंट्स जेएनके में हैं, दोज आर स्टिल वेटिंग फॉर द क्रेडिट कार्ड्स, और उनको बैंक से ये रिप्लाई मिलती है कि द क्रेडिट कार्ड्स हैव बीन स्टॉप्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट द क्रेडिट कार्ड्स नाउ एनीमोर. I am not saying about you. There are many, many accounts lying there, जिनको credit card ही नहीं मिल रहा है. मैं बहुतों के साथ वहाँ गया. नहीं नहीं, it's almost 6 months to 8 months past those have opened their accounts, और उनको ये कहा जाता है कि ये आपको card नहीं मिलेगा क्योंकि it has been stopped by the central government. Can you explain, sir, why? मैंने बोला कि मैं कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं हूँ और प्रॉब्लम्स हैं. तो पहली बात आपने जो कही वो फ्लॉ है कि 32 रुपीस का मजाक उड़ा था ये मोंटेक सिंह आलूवालिया ने किया था कि 32 रुपीस में बिलो पॉवर्टी लाइन वाली जो बात है, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, जो आपने बोला कि ये जो जनधन योजना की जो बात है उसमें जो क्रेडिट कार्ड वाली बात है, बिल्कुल वो 21 करोड़ लोगों को मिल गया है ऐसा बिल्कुल नहीं है. अभी बहुत से लोगों को, और कई बार क्या होता है कि जो बैंक होते हैं, जो मैं आपको बताऊं, जो मुद्रा स्कीम है, आपने जनधन की बताई, मैं मुद्रा की बताता हूं आपको कि मुद्रा स्कीम में गवर्नमेंट ने कहा कि इतने लाख लोगों को हम एम्पावर करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. बैंक पे आप गए तो गवर्नमेंट ने तो कहा कि 1 करोड़ लोगों को करना है, लेकिन टोटल जो टारगेट पूरा हुआ 45 लाख लोगों को हुआ, उसमें से 23 लाख लोग SC ST और OBC के थे, वीमेन भी थे. बैंक ब्रांचेज के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है. देखिए यही वाली बात है कि जो फिरोज जी ने कहा ना कि कम्युनिटी वाली बात, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की, दिल्ली में बैठ के आप कोई स्कीम बना रहे हैं उसको या तो फिर लॉ इन्फोर्समेंट ठीक से हो कि बैंक ब्रांच को ये अलॉट किया गया, जैसे कि इसमें अलॉट कर दिया गया स्टैंड अप में कि आपको 2 लोगों को एम्पावरमेंट करना ही है थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप. यहाँ पे कोई एम्पावरमेंट की ऐसा कोई टारगेट फिक्स नहीं किया था कि आपको इतने लोगों को देना है. मुद्रा स्कीम में ऐसे हमारे पास भी केसेस आए जिसमें, क्योंकि 50,000 जो शिशु, तरुण और युवा है उसमें बहुत सारे लोगों को बैंक ने लौटा दिया, कहा कि नहीं नहीं हम हमारे पास से तो ये जितने पैसे थे वो लैप्स कर गए, खत्म हो गए. तो ये कई बार बैंक मैनेजर के लेवल पे या डिविजनल लेवल पे या जोनल लेवल पे भी प्रॉब्लम है और इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है. और सारी चीज़ों का टेलरमेड सोल्यूशन है, और कभी भी कोई स्कीम आती है तो आप अगर ये सोचिए कि वो 100% उसी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो ये पॉसिबल नहीं होता. लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि वो संख्या लाखों में है जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन ही 1 करोड़ है. हाँ, तो 25 लाख, 1 करोड़ 25 लाख, उसमें से क्या कहते हैं, यानी कि एक उसको अगर 1/4 कर दे, 1/5 कर दे, इतनी फैमिलीज होंगी, एक 20 लाख 22 लाख फैमिलीज होंगी, उसमें से कुछ 3-4 लाख लोगों ने, 5 लाख लोगों ने अकाउंट खुलवाए होंगे अपने जनधन में, ना ऐसा होगा. अगर 5 लाख अकाउंट जनधन में खुले हैं और उसमें से 4 लाख लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिला तो सच में ये प्रॉब्लम है, और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यहाँ के जो डिविजनल और जोनल ऑफिसर्स हैं उन्हें सोचना चाहिए. जम्मू कश्मीर के राजधानी श्रीनगर में जो नेतृत्व साधना का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया, उसमें मुझे की सोशल चैलेंजेस पे बोलना था, जिसमें कि गरीबी, असमानता और जो महिलाओं के मुद्दे हैं उस पर. बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और एक बहुत सी नई बातें, कई बातें मुझे भी सीखने को मिली, और इसमें जम्मू कश्मीर के युवा साथियों का बड़ा अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिला, और देश की समस्याओं और उसको उसके समाधान को लेकर जो इनकी समझ है वो अपने आप में बहुत ही अनूठी है. और नेतृत्व साधना में जो युवा साथी हिस्सा लेने आए हैं बहुत ही जागरूक हैं, बहुत ही समझदार हैं, और देश की समस्या और समाज की समस्या दोनों को अलग अलग तरीके से समझने की पूरी कोशिश भी करते हैं और जानते भी हैं. मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से उनको और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, और आने वाले समय में देश के लिए एक बहुत ही उपयोगी कारक सिद्ध होंगे और देश के लिए आगे बहुत ही मदद कर सकेंगे. धन्यवाद.